दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री राजकुमार शर्मा जी, जो हरियाणा क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो सीनियर क्रिकेट कोच रहे हैं और 100 से ज़्यादा प्लेयर्स उन्होंने रणजी नेशनल और आईपीएल के लिए तैयार किए हैं और अब तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कोच बन रहे हैं। शायद आपको कुछ न्यूज़ अभी कुछ दिन पहले मिली होगी कि हमारे फरीदाबाद से एक जो हमारे टेस्ट प्लेयर्स थे वो अब आईपीएल टीम को कोचिंग कर रहे हैं, तो अब तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कोच बन रहे हैं। तो आज हम उनसे रूबरू होंगे कि उनकी जो सेवानिवृत्ति है अभी हुई है और ये 32 साल की सेवा के बाद अब वो उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और किस तरह से अब उनको बच्चों को हेल्प करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, थैंक यू वेरी मच। सर, ये क्रिकेट देश में तो जैसे एक रिलीजन है, तो अब जो नया क्रिकेट है जिसमें आईपीएल आ गया है, तो इसका क्या स्कोप है और किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए? सर, जैसे क्रिकेट अब डेवलप हो रहा है, आईपीएल ने पूरे हमारे इंडिया की जो क्रिकेट है उसमें एक तहलका मचा दिया है कि जिन बच्चों को मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और क्रिकेट जो है ये भगवान की तरह जो है लोग इसको पूछते हैं और खेलते हैं, तो इसमें पहले बच्चों को मौका बहुत कम मिलता था। टैलेंट बहुत है इंडिया में और अब आईपीएल आने से क्या है कि बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि जब तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, कैसे अपने आप को आप साबित करेंगे। तो इससे क्या है कि हमारे खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस भी आया है और जो टैलेंट है, जो गांव-गांव से जो टैलेंट था वो भी निकल के आया है और भारत जो आज पूरे वर्ल्ड में जो है चैम्पियन हर कोई उसको कहता है। जी सर, आपका इसमें बहुत योगदान है और आपको सर बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, आज कल अगर हम देखें तो चाहे बैट्समैन है या बॉलर है, एक टाइम था इंडियन क्रिकेट में भी जहाँ हमने देखा कि जो हमारे ग्रेट कपिल देव है उनके जोड़ीदार के लिए भी बहुत हम सर्च करते थे पेसर्स का। अब हमने रिसेंटली अपनी ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला में देखा कि जहाँ हमारे चार मेन गेंदबाज ना होने के बावजूद भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो अब जब इतने हमारे पास बॉलर्स हैं और बैट्समैन है, तो इसका मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो इसके लिए जो प्लेयर्स अपने को किस तरह से तैयार करें, जैसे आप से मेरी पहले एक बार बात हुई तो आप कहते हैं कि बेसिक्स पे ध्यान दें, तो बच्चे कैसे बेसिक्स पे ध्यान दें, फिर जब आप खेलने लगते हैं तो वो क्या चेंजेस आते हैं? मतलब बच्चे होते हैं तो आप कोचेस के बहुत संपर्क में रहते हैं, लेकिन जब एक वो कहते हैं ना शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, तो जब आपके गुरुकुल से वो निकल के बाहर जाते हैं तो शायद उनको इतना फिर ध्यान नहीं भी मिलता हो, टाइम नहीं मिलता हो बेसिक्स पे देने का। तो सर, वो क्या चीज़ है जो इस कॉम्पिटिशन के लिए कैसे तैयार करें बच्चे? देखो, ऐसा है, क्रिकेट का जो मेन है, क्रिकेट इज़ ए स्किल गेम, टेक्निक की गेम है ये, और जब तक आप टेक्निकल अच्छे नहीं होंगे तब तक आप चाहे इंटरनेशनल हो चाहे आईपीएल हो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो मैं तो बच्चों को यही एडवाइस करता हूँ कि अपने बेसिक्स को स्ट्रोंग करो, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो वो बिल्डिंगें तभी इतनी हम बड़ी बना सकते हैं जब हमारा बेस अच्छा हो। तो यही है कि आज जो बच्चे हमारे खेल रहे हैं इनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और तभी ये वहाँ पे जो लंबी क्रिकेट खेलता है, इफ़ योर बेसिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट, आप किसी भी लेवल पे खेल सकते हो। तो यदि आपका बेसिक्स अच्छा नहीं होता तो फिर आप कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे थोड़े से टाइम बाद आप डिसअपीयर हो जाते हो। सर, कोई आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहूँगा कि सर पिछले 30 साल में भी देखूँ तो फरीदाबाद से हमारे विजय यादव जी, अजय रात्रा जी और ये मोहित शर्मा, राहुल तेवतिया, लेकिन इतने समय में हम देखें तो अगर हम ऑल ओवर इंडिया को देखें तो हमारे फरीदाबाद का काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर हम उसको नंबर में देखें तो वो क्या कारण है कि इतने कम बच्चे अभी हमने पिछले दिनों में उस लेवल पे एंट्री करते हुए देखा है? और जब ये जो प्लेयर्स थे जिन्होंने उस लेवल पे देखा है, जैसे आपके कई जो स्टूडेंट्स हैं आईपीएल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेशनल में बहुत अच्छा किया है, तो इनके अंदर वो क्या गुण थे या किस तरह से तैयारी करते थे
जो आप आज के बच्चों को थोड़ा सा एडवाइस करें सर, कि किस तरह से अपने आप को वो तैयार करें, स्पेशली जो नए बच्चे हैं वो पाना तो सब चाहते हैं लेकिन शायद वो डेडिकेशन, डिवोशन, पेशेंस, डिसिप्लिन, वो क्या एक चीज़ है सर जो बच्चों को आप बताएंगे कि हमारे फरीदाबाद में बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। पूरे हरियाणा में यदि आप देखें कि फरीदाबाद में जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं, क्योंकि हमें फरीदाबाद वालों को सबसे बड़ा एडवांटेज दिल्ली पास होने के कारण है, क्योंकि दिल्ली में हमारे बच्चे बहुत टूर्नामेंट खेलते हैं और जितना ज़्यादा आप टूर्नामेंट खेलते हैं उतना ज़्यादा आपकी गेम में जो है निखार आता है। तो ये जो हमारे जो फरीदाबाद के बच्चे हैं इनमें एक तो जुनून है कि मेरे को करना है। जब विजय यादव को उन्होंने देखा, क्योंकि विजय यादव जब इंडिया की टीम में आए, पहले जब उन्होंने इनका बेसिक्स इतना स्ट्रोंग था, बैटिंग में इतना अच्छा बैटिंग करते थे और विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी थी। यदि उस टाइम यदि वनडे या T20 होता, जैसे T20 उस टाइम नहीं था, तो ये प्लेयर जो है बहुत ही मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था उस टाइम। और उसके बाद अजय रत्रा जो है वो खेला, क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता है उस टाइम टेस्ट मैचेस ज़्यादा, तो ये बच्चा जो है सीधे सीधा हम बैट बच्चों को ये कहते हैं कि आप सीधा खेलो। फिर उसके बाद मनविंदर बिस्ला आया, वो T20 का चैंपियन, कि वो बड़ा स्टाउट था और लंबे बड़े छक्के लंबे मारते लंबे छक्के थे। मारता था। तो वो जैसे जैसे गेम का ट्रेंड चेंज होता रहता है वैसे वैसे हमारे प्लेयरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ा है कि हमारे बच्चों में बेसिक्स इनके बहुत स्ट्रोंग थे, क्वालिफाइड कोचेज इनके पीछे काम करते थे और कभी भी इन्होंने इनसे कोई चवन्नी कभी किसी प्लेयर से नहीं ली कि आज आप IPL या इंडिया खेले हो, किसी बच्चे ने स्टेडियम में कोई 10 रुपए भी दिए हो। तो उस टाइम क्या था कि जो स्टेडियम था एक हमारा मंदिर की तरह था। जी सर, हम सब जो पूजा जो खिलाड़ी भी आते थे वो भी यही आते थे कि हमारे कोचिज हैं और उनकी पूरी रेस्पेक्ट करते थे, हमारे सीनियर प्लेयर्स की बड़ा रेस्पेक्ट करते, बड़ा ट्रेडिशन था हमारे फरीदाबाद में। तो तभी एक दूसरे की हेल्प करके हमारे बच्चे जो है बहुत आगे तक गए हैं। सर एक समय था कि जो जिनके अंदर बहुत पेशेंस होता था, और हम पेशेंस आदि इसी इसी को ही मानते थे कि आप कितनी देर विकेट पे ठहर सकते हैं, लेकिन अब तो जो मापदंड है, जो 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 एंट्रेंस है वो IPL से आने लगा, तो जो प्लेयर IPL में एक्सेप्शनल अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर उनकी एंट्री वनडे या टेस्ट में भी होती है, तो क्या वो मापदंड बदल गया है? बिल्कुल, देखो जी, अब क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है। क्रिकेट अब स्पीड एंड स्ट्रेंथ, आजकल जो है आपको पहले एथलीट होना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद यदि आप एथलीट हैं, आप फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, तो आजकल पहले का टाइम जो था वो ज़्यादा फिजिकल फिटनेस में आप थोड़ा वीक भी हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, आपको मौका मिल जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, आप यदि बहुत अच्छे फील्डर हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, तभी आपको मौका मिलता है। तो अब क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है, बहुत फास्ट गेम हो गई है और फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा गेम हमारी डिपेंड करती है। क्योंकि आप देखो कि T20 में भी अब इतना प्रेशर है, जी सर, बच्चे जो है क्रिकेट के अलावा जो है आपकी फिजिकल फिटनेस और स्किल के अलावा मेंटली टफनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि एक मैच में आपको यदि रन लग जाते हैं तो दूसरे मैच में आपको कैसे अपने आप को संभालना है, और ये चीज़ें जो है यदि आप मेंटली टफ हैं तभी आप कामयाब बिल्कुल होंगे, सर। नहीं अभी तो नहीं। हमने पीछे देखा कि अगर किसी प्लेयर को आप ड्रॉप भी करते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट इतना अच्छा है कि आप ये भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि इनको क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि वो ये भी कह सकते हैं देखो हम नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं या बेंच स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। या तो मैं कहूँगा कि देखो BCCI को बहुत ही इसके लिए बधाई है कि उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और जहाँ पे कभी ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए बहुत अनबीटेबल होते थे, पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम होती थी, लेकिन पिछले सालों से BCCI ने ज़रूर इतना डेवलप किया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कि अब हमारी टीम नेशनल में तो वो उन्होंने बदला ही सब कुछ है, इंटरनेशनली वो सारे टूर्नामेंट जीत चुके हैं, और अब जो टेस्ट क्रिकेट है उसका भी हम फाइनल खेलने वाले हैं इंग्लैंड में सर। ये IPL से बहुत ज़्यादा हमारे खिलाड़ियों को भी, कोई भी ऐसी गेम नहीं है वर्ल्ड में जिनको पेंशन मिलती हो,
हमारे खिलाड़ियों की लाइफ जो है बहुत ही सिक्योर, बीसीसीआई ने जो जो भी आप बीसीसीआई के अंडर खेलते हो आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर रहती है, आपको पेंशन भी मिलती है, आपको वैसे भी मदद खिलाड़ी मदद करते रहते हैं। तो इससे क्या है कि खिलाड़ियों को लगता है कि ये आप, मैं इंडिया नहीं भी खेल पाऊंगा तो तब भी जो है आप रणजी ट्रॉफी खेलते हैं और अच्छा करते हैं, आप टीम के साथ भी जुड़ जाते हैं, तब भी आपको फाइनेंशियली जो है आपको वो दिक्कत नहीं होती। तो सर बीसीसीआई का बहुत बड़ा जी रोल सर है, क्योंकि बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड जो बोर्ड है उन्होंने हर एक सारी चीज़ जो है उन्होंने एकदम फिक्स्ड है, कहाँ पे मैच होगा, कौन अंपायर होगा, क्या होगा, और आप कभी भी किसी और गेम में आपको भी इतना अच्छा डिसिप्लिन नहीं मिलेगा। सर, जैसे एक टीचर बहुत दिन में बनते हैं, एक डॉक्टर बहुत दिन में बनते हैं, तो सर एक चीज़ तो हम हमेशा देखते हैं कि अच्छा कोच और जो इन बच्चों की गलतियों को आइडेंटिफाई कर सके और ये कर सके। तो सर अब ये रिटायरमेंट के बाद ये दूसरी इनिंग में आप कैसे बच्चों को, आप इनको, इनका प्रशिक्षण आप कंटिन्यू करें और इन बच्चों को तैयार करते रहें उस कंपटीशन के लिए जहाँ पर फरीदाबाद का रिप्रेजेंटेशन हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा हो। देखो सबसे ज़्यादा फरीदाबाद का हो, फिर हरियाणा का हो और फिर देश का। देखो हम बिल्कुल सेल्फिश हैं इस मामले में। नहीं, देखो मैं तो, क्रिकेट ने मेरे को इतना दिया है और इतना मान सम्मान जो है मेरे को मिला है और इतने खिलाड़ी जो रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं तो यही चाहूँगा कि मैं भी बच्चे कई बार मेरे को फ़ोन करते हैं, सर आप यूट्यूब पे आप आओ आप, सर आप, क्योंकि अब लॉकडाउन हो जाता है जी सर हम क्रिकेट, क्योंकि आजकल के टाइम में अच्छे कोचेज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्रिकेट बिक रही है, हर छोटा आदमी कोई अपनी एकेडमी बना के बिल्कुल बैठे सर हुए हैं, पर जो रियल कोचिंग है वो मिसिंग है, कि जी सर आपको बेसिक्स, बच्चों को बेसिक्स ट्रेनिंग, बच्चों को कैसे आपने बॉलिंग है उसका, बैटिंग है कैसे इम्प्रूव करना बहुत है, सर आपने कैसे। बहुत एक बहुत सेंसिटिव इशू को पकड़ा है सर, कि आप एकेडमी में भी जा सकते हैं, फीस भी पे कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई ऐसा गुणी कोच नहीं होगा, जैसे हम आज भी दिल्ली में हम तारिक सिन्हा सर का नाम सुनते हैं, विजय सर मेरे ख्याल से देखिए बहुत दिनों से उन्होंने अपनी इनिंग खेली है और बहुत दिनों से ये किया है, लेकिन अगर उनको हम देखें तो कोई दूसरा ऐसा पर्सन जो उनको सपोर्ट करे या उनको रिप्लेस कर सके, रिप्लेस तो मैं नहीं कहूँगा कोई कर पाएगा, लेकिन उनको जो एक अल्टरनेटिव्स, जो दूसरा उनको उस जगह की के लिए कैसे आप तैयार करें, और एक हर एक पर्सन को यही चाहत होती है कि मुझे एक ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे बिल्कुल तराश दे और उस जगह के लिए तैयार कर दे, तो वो कैसे आप बच्चों को हेल्प करेंगे सर? नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि देखो क्रिकेट जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है और क्रिकेट को वैसे ही आजकल आप ग्राउंड पे जो है आप बच्चों के ऊपर टाइम लगाएं, बच्चों को मोटिवेट करें। ये बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है पर हम उनको मोटिवेट नहीं कर पाते, उनको सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं, सर तो उनको यही सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि कोचेस जो है वो एक रोल मॉडल हैं बच्चे के लिए। बिल्कुल सर और यदि उनको सही डायरेक्शन मिल जाए, सही कोचिंग मिल जाए, और बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मैच में बच्चा नहीं कई बारी अच्छा कर पाता, तो उसको हमने कैसे अपग्रेड करना है, कैसे उसकी गलतियों को ठीक करना है, क्योंकि आप क्रिकेट बहुत एडवांस हो गया है, आपने वीडियो बनाया बच्चे को दिखाया, बेटा ये आपकी देखो गलती है इसको ठीक करो। आजकल पहले हम बच्चों को बहुत पिटाई करते थे, पर आजकल टाइम ऐसा है कि हम बच्चों को दोस्त बना के हम उनको उनका बिल्कुल सर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर जब तक हम आपने उनको दोस्त नहीं जी बनाएंगे जी तो सर वो आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी स्किल्स के साथ में उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप हो कोच का कि उनको मोटिवेट करे, उनको वो विश्वास दिलाए, उनको कॉन्फिडेंस दे। तो सर हम ये मान के चले कि अब यूट्यूब के थ्रू हमें आपके वीडियोस के द्वारा आपका ये कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहेगा हाँ, नहीं, बच्चों को। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि बच्चों को जो है, क्योंकि जो बच्चे दूर भी रहते हैं, अब जो हम फरीदाबाद में हैं, मैं भी अब जैसे चंडीगढ़, कुछ दिनों के लिए चंडीगढ़ चला गया, वहाँ भी बच्चों के फ़ोन आते रहते हैं, तो एक यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे जी हम सर बच्चों को उनकी जो क्वेश्चन है उनको भी हम रिप्लाई कर सकते हैं और उनको सही टेक्निक के बारे में ज्ञान भी दे सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि देखो हमने जो भी कुछ कमाया है ये सेवा जो है,
ये सेवा हम करते रहेंगे, बच्चों की मदद करते रहेंगे। जब भी उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत की ज़रूरत होती है तो हम हमेशा जो है बच्चों को जो हमें मिला है वो वापस देना है। सर आप बहुत, आपका पहले भी बहुत नाम है और मैं बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा मैं इसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आपकी दूसरी इनिंग बहुत अच्छी रहेगी। सर आपने समय निकाला और आपने बहुत खुलेपन से उन बातों को रखा जैसे आप, आपके फ्यूचर प्लान्स है, और मेरी आपके साथ शुभकामना है सर कि ऐसे ही आप बच्चों को तैयार करते रहें और हमारे देश के लिए जो एक सबसे बड़ा एंटरटेनर है क्रिकेट का गेम, उसके लिए बच्चे अच्छे ऐसे ही तराशे हुए हीरे हमको देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू वेरी मच। आपने आप मनमोहन जी जो है उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप भी क्रिकेट के साथ उतने ही जुड़े हुए हैं जितना मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि क्रिकेट जो है जब बच्चा रन नहीं बनाता तो उस टाइम जो मोटिवेशन का जो काम करते हो, आपने कई नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जो अपग्रेड किया है, जो उनकी वापसी की है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो आप सेवा का जो काम कर रहे हैं, हम भी आपको दिल से मैं दुआ देता हूँ कि आप ऐसे ही क्रिकेट के साथ जुड़े रहें, ऐसे ही खिलाड़ियों को उनका मनोबल बढ़ाते रहें, और आपके जो वीडियो देख के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो इंस्पायर होते हैं, और हमें भी बड़ी खुशी होती है और हमें भी सीखने को मिलता सो है। दोस्तों, ये हमारे साथ थे हरियाणा के सीनियर क्रिकेट कोच श्री राजकुमार शर्मा, और ये अब एक दूसरी इनिंग शुरू करने वाले हैं जहां पर जो इन्होंने अभी तक 32 साल में जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं क्रिकेट के, वो शायद अब हम उनका हम फायदा उठा पाएंगे और वो यूट्यूब के थ्रू हमारे साथ वीडियोस के द्वारा हमको सिखाएंगे क्रिकेट के वो गुण जिनको आप फॉलो करके देश के लिए नाम रोशन करेंगे, अपना और अपने परिवार के लिए नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।